कहीं पानी दिखे उसको रिफिल कर लो, बोतल खरीदो मत, क्योंकि पानी और हवा फ्री की है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इंग्लिश नहीं आती ना गाइस, नॉट अ बिग डील। इंग्लिश आना नॉट अ बिग डील विदेश आने में। आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं विदेश नहीं जा सकता, कुछ नहीं होता, हाव भाव से भी काम चल जाता है, या गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद यार, गूगल बाबा है ना अपने साथ। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर KLIA2 से चलती एयर एशिया इंडिया के लिए, और KLIA1 से चलती मलिंदो एयरलाइंस। तो KLIA2 से KLIA1 में जाने के लिए यहाँ पर फ्री शटल बस सेवा है, जो आप फ्री यूज़ कर सकते हैं और जा सकते हैं। अभी मैं पानी भरने जा रहा हूँ, रिफिल करने जा रहा हूँ अपनी बॉटल को, और दोबारा बाथरूम जा रहा हूँ। बाथरूम देख रहा हूँ कहाँ पर है, और बाथरूम यूज करेंगे, बोतल भरेंगे, इंटरनेट यूज़ हो ही गया, मोबाइल चार्ज करेंगे। अगला स्टेप आपको बताता हूँ। ये सारा ड्यूटी फ्री एरिया है, और प्लस फूड एरिया है, बर्गर किंग के सामने। और यहाँ की वर्ल्ड की जितनी भी एयरलाइंस आती है ये इधर ही आती है, इधर पता चलता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुआलालंपुर। तो अब बताता हूँ मैं आपको अगला स्टेप, सब कुछ बताऊंगा, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, बस के बारे में बताऊंगा, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, खाना कहाँ खाना चाहिए एयरपोर्ट में, यहाँ पर शायद खुला होगा या नहीं खुला होगा, देखते हैं, पता करते हैं। और गाइस टैक्सी मत लीजिएगा यहाँ पर आके, वरना मोनोरेल बहुत महंगा पड़ेगा, बस से जाओ बहुत सस्ता है। मैं आपको आगे का बताता हूँ बस का कितना किराया दिया है और कैसे बुक करी बस। तो गाइस लो जी गाइस, पानी भी भर लिया, रिफिल कर लिया, वाटर बॉटल किसी रेस्टोरेंट में किसी से भी बोल दीजिए, या फिर पानी हो कहीं भी तो रिफ़िल कर लीजिए बोतल अपने साथ। जब भी इंडिया से चल रहे हो तो एक खाली बोतल लेकर चलिए, तो उसको रिफ़िल करने की बार बार कहीं पानी दिखे उसको रिफ़िल कर लो, बोतल खरीदो मत, क्योंकि पानी और हवा फ्री की है। तो पानी को भरिए। मैंने अभी एक किसी बंदे से बोल दिया था यहाँ पर, वो इंडियन ही था रेस्टोरेंट में, मैंने उससे कहा प्लीज़ रिफ़िल द वाटर प्लीज़ यार, तो उसने रिफ़िल कर दी बोतल, फ्रेश भी हो लिया, ये बाथरूम है फ्रेश भी हो चुका हूँ। और अब अगला स्टेप है गाइस, मैंने आपको भी बताया था ना KLIA1 से तो चलती है मलिंदो एयरलाइंस, KLIA2 से चलती है एयर एशिया इंडिया के लिए, मलिंदो भी इंडिया के लिए और एयर एशिया भी इंडिया के लिए। तो ये हिसाब किताब है, दो एयरपोर्ट है, शटल बस फ्री है यहाँ से, आप जा सकते हो फ्री में, फ्री सेवा है यहाँ की गवर्नमेंट ने, एयरपोर्ट गवर्नमेंट ने फ्री सेवा चालू कर रखी है। एक बात और बताना चाहता हूँ, इंडियंस एब्रोड डरते हैं यार आना, कुछ लोग डरते हैं, जिनको इंग्लिश का डर नहीं होता, जिनका और जिनको हैबिट है जो ट्रैवलर है वो कभी नहीं डरेंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इंग्लिश नहीं आती ना गाइस, नॉट अ बिग डील। इंग्लिश आना नॉट अ बिग डील विदेश आने में। आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं विदेश नहीं जा सकता, कुछ नहीं होता, हाव भाव से भी काम चल जाता है, या गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद यार, गूगल बाबा है ना अपने साथ। तो आप उसमें अपनी लैंग्वेज हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट होएगा, तो हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट होएगा। तो ये हिसाब किताब है, इंग्लिश से मत डरिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में ही आपको सब कुछ क्या बोलते हैं आना चाहिए और एब्रॉड में ट्रैवल करना चाहिए इंग्लिश आने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, इस बार तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने साथ गोप्रो तो पिछली बार लाया था, इस बार मैं अपने साथ गोप्रो के साथ लैपटॉप भी लेकर आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा डाटा लैपटॉप में जाएगा, लैपटॉप कैरी किया है इस बार मैंने, तो मैं बहुत खुश हूँ फिलहाल। और पानी बोतल भर ली, सब कुछ हो चुका है, बस अब बस का थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, 5-6 घंटे एयरपोर्ट में ही बैठेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट से अच्छा कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि हम मेरा जो आज का जो चेक इन है होटल में वो है 1 बजे, और मैंने मेरी बस है मेरी 9 बजे, तो मैं सोचूँगा जितना जल्दी हो सके मेरे को वो दे रूँ। तो बस का मैं आपको हिसाब किताब बताता हूँ, और फूड का बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। और एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यार मेरे से एक गलती होगी, मेरी मलिंदो एयरलाइंस में एक फ़्लाइट है 6 फरवरी 2020 की, मलिंदो एयरवेज कुआलालंपुर टू होची मिनी सिटी वियतनाम के लिए,
उसमें मैंने अपनी वाइफ का नाम नीलम दे दिया कर दिया, क्योंकि मेरी वाइफ का जो पासपोर्ट है वो है नीलम नाम से, ओनली नीलम, सरनेम कुछ भी नहीं है, सिर्फ गिवन नेम है, अपने में सरनेम कुछ नहीं है, सिर्फ नीलम। मैंने उसमें गलती से नीलम दीरिया कर दिया, अब मैं उसको चेंज कराने की बोल रहा हूँ। तो इंडिया में तो खूब पैसा मांगा है भाई, 2600 रुपये, और 2600 रुपये की तो मेरी वियतनाम की फ़्लाइट ही है यार, कुआलालंपुर टू वियतनाम की। तो मैंने सोचा यार यहाँ देखने से अच्छा नहीं, तो यहाँ कन्विंस करूँगा, अभी मलिंदो एयरलाइंस के ऑफिस में जाऊँगा और वहाँ कन्विंस करूँगा कि मेरी फ़्लाइट जो मेरी वाइफ का नाम है उसको अपडेट किया जाए, उसमें दीरिया हटा के सिर्फ नीलम करा जाए। तो कभी भी गाइस आपको कभी भी कोई सिंगल पासपोर्ट में सिंगल नेम है तो नीलम, जैसे मेरी वाइफ का नाम है, तो मुझे मैंने हर फ्लाइट में नीलम नीलम करा है, मगर गलती से इस बार नीलम दीरिया हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी भी फ़्लाइट की टिकट बुक करते हो और सिंगल पासपोर्ट में सिंगल नेम है तो उसमें आप सिंगल जो नेम है ना वही का वही सरनेम में भी वही नेम आएगा। तो जैसे मेरी वाइफ का नाम है नीलम, तो फर्स्ट नेम नीलम, सेकेंड नेम भी सरनेम में भी नीलम आएगा। तो मेरी जितनी भी फ़्लाइट है अभी इंटरनेशनल कहीं की भी, बाली, कंबोडिया, वियतनाम, वियतनाम की भी एक और फ़्लाइट है दानांग, होचीमिन से दानांग की, उसमें मैंने नीलम नीलम करा, मगर ये गलती से मैंने जल्दीबाजी में दीरिया कर दिया। तो इसको चेंज कराना है, इसको अपडेट कराना है, नीलम नीलम दीरिया से नीलम नीलम कराना है मलिंदो एयरलाइंस ऑफिस में जाके। तो ये हिसाब किताब है, अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एयरपोर्ट में, KLIA2 एयरपोर्ट कुआलालंपुर, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2, एयर एशिया से आया हूँ, भुवनेश्वर से 4 घंटे की फ़्लाइट थी कुआलालंपुर के लिए। तो गाइस आगे का अपडेट आपको देता हूँ, मिलते हैं फिर। मलिंदो एयर के ऑफिस में जा रहे काउंटर पे, वहाँ देखते हैं नाम चेंज होता है कि नहीं होता। थक गए यार काफ़ी बहुत, इधर से उधर घूमते, भगवान करे नाम चेंज अपडेट हो जाए नाम। और मास्क भी लेने, दो मास्क भी लेने, यहीं से पूछ लेते हैं मास्क। ओवर देयर, थैंक यू, तरीमा कासी। ये मलिंदो एयर का काउंटर है सामने, ये रहा। टिकट काउंटर, यह है मलिंदो एयर का काउंटर, देखते हैं क्या होता है यहाँ। Yeah, I want to come. Your only your name? Yeah, only your name. Can I get your passport? Yeah, sure. Is it okay? I can travel with this thing. No, you have to follow the passport. Yeah, but you that's have why to I want to change. Yeah, can I see another one passport? No. This is my husband, Manish. And in his passport, my name is mentioned as Neelam Dilya. Spouse name, here. Neelam Dilya. After marriage, she has mentioned. And this is my before marriage passport. Finally, ho jayega, mujhe lag raha hai. Jai Mata Di. If you want to change your name in the system, you have to pay 50 ringgit. 50 ringgit? Because we have to remove more than 3 alphabets. Okay, 50 ringgit. Any discount? The one is fixed, sir. Sorry? So you will... The price is fixed. Swipe? Oh, price. Okay, fixed. Card swipe, you can pay. Card swipe? 50 ringgit, kitna hua? 50 ringgit hua kareeban. So you can do it now? Yeah. Yeah, to de do card. Okay. And I'll get updated copy of this. Okay, thank you. Guys, ho gaya yaar finally, card se 50 ringgit ho rahe hain, kareeban 50 ringgit hue. 100 ringgit hote hain 1750 ke, to 850 rupaye ka mein kaam ho gaya hamara. Bhagwan, hey Bhagwan, acche logo ki madad karta hai hamesha Bhagwan. थैंक यू सो मच नीलम।
और अभी तक एक रुपया भी नहीं है हम दोनों के पास, ठीक है, कुछ पैसा, एक रुपया भी, एक रिंगट भी नहीं है, और अभी तक हम यहाँ इस देश में फ्री में घूम रहे हैं। और एक चीज़ है, वो है जादू, वो आपको मैं बताऊँगा। वो कार्ड है जिससे पूरे वर्ल्ड में फ्री में घूमा जा सकता है, कभी भी पैसा, एक रुपया भी, एक भी रिंगट नहीं है, और ये सिर्फ 10 रुपीज़ सिर्फ ये मेरे पास है, और एक रुपया भी नहीं है जेब में, कसम से बोल रहा हूँ, अपनी मम्मी कसम, और ट्रैवलिंग को प्यार करता हूँ, वर्ल्ड ट्रैवल बनना है उसकी कसम। तो एक रुपया भी नहीं है, अभी ATM से पैसे निकालेंगे और फिर आपको बताता हूँ वो कौन सा ATM है, वो कौन सा जादू का ATM है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, 195 कंट्री सिर्फ नेपाल और भूटान को छोड़ के। और फ्री शटल बस के बारे में बता दिया, ये है KLIA2, यहाँ से मलिंदो एयर सारी उड़ान बढ़ती है, फ्लाई होती है, और वहाँ से एयर एशिया और मलेशिया एयरलाइंस भी यहाँ से जाती है, और KLIA1 से एयर एशिया जाती है। तो यहाँ से अभी ये काम होते हैं, सीधे मास्क लेंगे, दो मास्क लेने हैं यहाँ से, और फिर फ्री शटल बस लेके, दो शटल बस लेनी, चेंज करनी है, इंटर कनेक्शन है ऐसे, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, यार मैं बोल रहा हूँ ना, तो एक बस यहाँ से लेंगे, फिर दूसरी 2-3 किलोमीटर बाद जाके फिर दूसरी बस लेनी पड़ेगी, वो भी फ्री होगी, ये भी फ्री है। तो गाइस ये हिसाब किताब है, आगे का हर इंफॉर्मेशन दूंगा, हर एक प्रोवाइड करूंगा इंफॉर्मेशन जो आपके हर काम आएगी। गाइस घबराइए मत, नाम गलती से आपके डल जाता है, टिकट्स कभी कभी हो जाती है जल्दीबाजी में, बन जाती है जैसे मुझसे हुई, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम चेंज कर देते हैं एयरलाइंस वाले। इंडिया में 2500 रुपये ले रहे थे और यहाँ पर 850 में काम हो गया। गाइस ये है, इंडिया में तो लूटमारी हमेशा ही बनी रहती है, और ये हो गया डन फाइनली, पकड़ना इसको, दिखाना ही बट। गाइस ये देखिए, नीलम दीरिया, मनीष दीरिया, मेरा नाम तो एकदम सही है, ये नीलम दीरिया था, अब पकड़ना इसको। और ये हुआ है रिसिप्ट, कहाँ हुआ नीलम, नीलम ये नीलम कर दिया है मिस ने, फाइनली 50 रिंगिट, कहाँ 50 रिंगिट, विथ प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ आपको, 50 रिंगिट में काम हो गया, हाथ मिलाओ, थैंक यू सो मच। ये है एयरपोर्ट, ये भी बहुत काफ़ी बढ़िया एयरपोर्ट बना रखा है, देखिएगा इस, बहुत ही अमेजिंग एयरपोर्ट है ये भी, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 तो आ ही रहा हूँ मैं यार, कंफ्यूज हो जाते हैं यार, 1 है ये। चलो गाइस मिलते हैं आपको फिर दोबारा, अगली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। गाइस मैंने अभी कन्वर्ट करके देखा करेंसी को, थोड़ी करेंसी अभी बढ़ गई है क्योंकि टूरिज़्म बढ़ रहा है धीरे धीरे मलेशिया में, इंडियन टूरिज़्म और चाइनीज़ के लोग, तो अभी पैसा थोड़ा बढ़ा दिया। पहले मैं जब आया था लास्ट टाइम तो 17.10 था, और अभी 17.54 हो गया है, तो मैंने 50 रिंगट देखा तो 577 रुपये आ रहा है, सॉरी 877 रुपये, 877 50 रिंगट्स में 900 रुपये समथिंग, मान लो 850-900 रुपये के करीबन मेरा काम हो गया, नाम अपडेट हो गया। आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगा, फर्स्ट टाइम गलती हुई है, मेरी टिकट बनाता तो कोई गलती नहीं होती, वाइफ की टिकट बनाई मगर उसमें नीलम नाम था, तो जल्दीबाजी में मैंने दीरिया कर दिया, नीलम नीलम करना था तो नीलम दीरिया कर दिया, विथ प्रूफ दिखा दिया मैंने आपको। अब मास्क लेने जा रहा हूँ, इन्होंने मेरे को बता दिया मास्क है सर।